नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होता है HTML, CSS और JavaScript और वेबसाइट कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है तो जो चीज़ें हमें वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए वो आपके सामने हैं। तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए HTML, CSS और JavaScript चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं। तो ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जो HTML है वो वेबसाइट की बॉडी की तरह काम करती है, जो CSS है वो वेबसाइट को जैसे ब्यूटी देती है, उसे जैसे सुंदर बनाती है, उस पर कलर डालती है। और जो JavaScript है वो वेबसाइट को एक्शन लेने के लिए तैयार करती है, और जैसे कि बताती है कि क्या करना है कब और कब करना है। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक सुंदर सी कार है। तो जो इसकी बॉडी है वो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनी है। तो जो इसकी बॉडी है वो मेटालिक बॉडी है। तो अगर हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो जो उसकी बॉडी बनेगी वो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनेगी। इस कार में बहुत अलग अलग रंग हैं और ये बहुत सुंदर है। तो ये सब कुछ हुआ है CSS की मदद से। तो अगर हमें वेबसाइट को सुंदर बनाना है और जैसे नया सा बनाना है और लगे और ऐसा करना है कि जैसे कि वेबसाइट लगे कि कितनी बढ़िया वेबसाइट है और लोगों ने ऐसी वेबसाइट आज तक ना देखी हो, तो वो सारा काम होता है CSS से। तो जो CSS है वो वेबसाइट की ब्यूटी को सुधारता है, मतलब उसे ब्यूटी देता है। जैसे इस कार का रंग नीला है तो वेबसाइट में भी टेक्स्ट होता है उसका कलर बदल सकता है, और जो मेटालिक बॉडी है और जो भी उसके पार्ट्स हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। तो जो इस गाड़ी का इंजन है वो बहुत बड़ा है, तो वो गाड़ी के दिमाग की तरह काम करता है। तो ऐसे ही जो वेबसाइट होती है उसमें JS यानी JavaScript वो दिमाग की तरह काम करता है। तो हम वेबसाइट को JavaScript की मदद से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे वो हम जैसे कि वो खुद एक्शन ले, खुद चीज़ें करे और हमें बस आराम करना पड़े और जो वेबसाइट है उसे ही सब कुछ करना पड़े। तो जो वेबसाइट काम करती है वो इस तरीके से करती है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये एक आदमी है यानी क्लाइंट, तो उसे अब हमारी वेबसाइट देखनी है। तो वो क्रोम या अलग अलग क्रोम या हो ऐसे ब्राउज़र पर जाकर टाइप करेगा हमारी वेबसाइट का नाम या कोई कीवर्ड। तो जब वो लिंक दबाएगा तो फिर हमारे सर्वर, जो ये ग्लोब है ये सर्वर है, तो सर्वर पर हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती हैं। तो जो जब ये लिंक को दबाएगा तो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि ये जो ब्राउज़र है ये उससे पूछेगा कि, और उसे बोलेगा कि वो ये बंदा है इसे वेबसाइट देखनी है। तो फिर ये जो सर्वर है ये अब वो वेबसाइट को HTML, CSS और JavaScript की मदद से दिखाएगा। और जो पहला पेज आएगा वो एक index.html नाम की एक फाइल होगी। तो अब बात करते हैं कि HTML क्या है और उससे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। तो जो HTML है उसकी फुल फॉर्म ये है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो HTML है वो सबसे बढ़िया लैंग्वेज है वो वेब पेजेस और वेबसाइट बनाने के लिए। हम HTML की मदद से अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उसे गूगल पर डाल सकते हैं और हम अपने उससे पैसे कमा सकते हैं। जो HTML है वो सबसे आसान लैंग्वेज है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए या कोई वेब पेज को बनाने के लिए। तो जो HTML है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है, उसका शरीर डिज़ाइन करती है, उसका मतलब स्केलेटन डिज़ाइन करती है। तो आते हैं CSS के ऊपर। तो CSS
कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानी जाती है। तो CSS क्या करती है? CSS हमारे वेब पेजेस को सुंदर और अच्छे जैसा बना देती है, जैसे कि वो अच्छी दिखे। CSS बहुत यूज़ होती है, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग उसे उसका वेब पेजेस बनाने के लिए। और अगर हमें कोई भी वेब पेज या वेबसाइट बनानी है तो और उसे डिज़ाइन करना है तो CSS हमारे बहुत काम आएगी। अगर हमें कोई लेआउट या टेम्पलेट बनाना है उसमें भी CSS हमारे बहुत काम आएगी। तो आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर और जावास्क्रिप्ट से क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट भी जानी जाती है JS के नाम से, या JS भी जानी जाती है जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो अब बताता हूँ कि उन JS या जावास्क्रिप्ट की वजह से क्या होता है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो वेब पेज है उसे कंट्रोल करती है और बताती है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है, जब यूज़र क्या दबाए तो क्या करना है और अगर कुछ ना दबाए तो क्या करना है। जैसे हमारे वेबसाइट में कोई बटन है, अगर यूज़र उसे दबाए अपने माउस या फिंगर से तो क्या हुआ, क्या करना है, वो जावास्क्रिप्ट के मदद से होते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि ये वीडियो कैसी थी।